जो है ये है विजय माल्या की, वो जो किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक नहीं था जो सब गबन करके वो भाग गया इंग्लैंड, ये देखिए वो। कुंडली आयु के हिसाब से तो ठीक है। अच्छा, इसकी कुंडली में देखिए गबन उबन का था क्या सब योग? अब चौथे घर का मालिक 12वें घर में बैठा है, कर्ज कहाँ का? कर्ज का मालिक 12वें घर में बैठा है, छठे घर का? छठे घर का, हाँ और ये 12वें घर में बैठा है और शनि के घर में बैठा है। इसका मतलब है कि ये जो भी कर्ज लेते होंगे वो डूब जाता होगा। अच्छा हाँ, जहाँ अच्छा जहाँ लगाते होंगे वो इनका खत्म हो जाता होगा। वो एक तो है, एक चीज वो है। दूसरी यह है कि लग्नेश दशम में शनि बैठा है, एक राजयोग है एक तरह का। अच्छा हाँ, इसी के कारण इतने बड़े पूंजीपति बन पाए थे। अच्छा शनि की महादशा चली है 2003 से 2022, और ये हमको लगता है किंगफिशर एयरलाइंस 2003 के आसपास से बहुत तेजी से बढ़ी थी, उसके बाद अचानक से 2005-07 के बाद से डूबना शुरू हुई है। हाँ, तो ये अब अभी 22 से बुध की जब आएगी महादशा, तो हाँ बुध 11वें घर में बैठ के पंचम घर को देख रहा है, हाँ ठीक है ना। हाँ ये यहाँ पे उनकी स्थिति में सुधार इसका करेगा। मतलब ये पैसा वैसा वापस करेगा हाँ क्या? बिल्कुल, वापस हमको भी लगता है कि ये पैसा करेगा। वापस करेंगे, जैसा कि इसमें दशा आ रही है बुध की दशा में। हमको ये उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी पैसा लिए होंगे या बैंकों का लिए होंगे उसको सब वापस करेंगे। हाँ 22 से 29 में। अच्छा, और इनका एक बिजनेस जो है वो डिस्टिलरी का, शराब का, वो जो किंगफिशर वो नहीं मिलती है, अरे इनकी कंपनी का नाम है मैकडोवेल, है ना, यूनाइटेड बिवरेजेस। तो यूनाइटेड बिवरेजेस जो शराब वराब बनाती है वो कंपनी की जो है वो दमदार चल रही है, वो नहीं बिगड़ी हाँ, बिल्कुल। तो वो इस कारण दमदार चल रही है कि राहु शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा है। राहु शराब का व्यापार करता है हाँ और शनि के साथ जुड़ गया, हाँ शनि शराब ही है, तो हाँ दशम घर में बैठ गया, तो इसलिए वो बिजनेस चल रहा है इनका। अच्छा, वो चलता रहे हैं। तो वो इसका मतलब हाँ, ये जो है 2022 से 29 में जो बुद्ध की महादशा है इसमें वहाँ काफी सुधार होगा। सरकारी पैसा वैसा वापस करने चाहिए, सरकारी हैं? पैसा वापस हमको लगता है कि करेंगे। अच्छा, क्योंकि अभी तक तो कोई न्यूज़ ऐसी आई नहीं नहीं, बीच अभी में तक। एक बार ऑफर दिए थे, न्यूज पे अच्छा हमने देखा था, बैंकों अच्छा अच्छा को अच्छा ये दे। कुंडली है मतलब अरबपति आदमी हाँ, क्यों नहीं, की, बिल्कुल। और इनका धन भाव का मालिक व्यापार के घर में बैठा, उच्च के करीब बैठा है, कर की उच्च राशि, एक राशि आगे बैठा है, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस से ही अरबपति बने। और इसमें एक चीज और हम देख रहे थे ऊपर, ये कि ये यहाँ राजयोग भी है क्या? केंद्र, ये त्रिकोण और ये केंद्र, सूर्य और शुक्र जो है यहाँ इकट्ठे हैं लाभ भाव में, ये राजयोग नहीं बनाएगा। अच्छा, और ये केंद्र और ये त्रिकोण, इनके मालिक भी यहाँ बैठे ये हैं। भी नहीं, अच्छा, ये भी नहीं बनेगा। केवल लग्नेश दशम में शनि बैठा, ये राजयोग तो वो जो राजयोग होता है वो केंद्र त्रिकोण के मालिक इकट्ठे या केंद्र में बैठे या है। देखो, त्रिकोण में, चार राजयोग मुख्य होते हैं। क्या? ठीक सबसे बड़ा राजयोग है कि भाग्येश दशम में बैठ जाए, नंबर है। एक। दूसरा राजयोग है कि दशमेश नवम में आ जाए, दो अच्छा हो गए। तीसरा राजयोग है कि ये दशमेश लग्न में बैठ जाए। चौथा राजयोग है कि लग्नेश लग्नेश, दशम हाँ में बैठ दशम में जाए। बैठ जाए, ये चार महाराजयोग माने जाते सबसे हैं, बड़े हैं। सबसे बड़े। अब सेकेंडरी राजयोग जो बनता है वो लग्नेश पंचमेश का बनता अच्छा, है। इकट्ठे हो, हाँ, पंचमेश लग्न में बैठ जाए, लग्नेश पंचम में बैठ अच्छा जाए, ठीक है। समझे बात। तो ये दो ये हो गए। अब हाँ, दो ये हो जाते हैं कि ये पंचमेश दशम में बैठ जाए, दशमेश पंचम में बैठ पंचम में जाए, बैठ जाए, बस एक और तरह का वो स्थानांतरण जो हाँ राजयोग है स्थानांतरण वाला अपना राज। जगह हाँ बदले। वो दूसरे नंबर का राजयोग बने। और भाग्येश लग्न में बैठ जाए और ये लग्नेश भाग्य भाव में बैठ जाए, हाँ दो ये राजयोग बनाता है। अच्छा, तीसरे नंबर ये हाँ दूसरे नंबर की ये बनाता है, तीसरे नंबर की ये बनाता बाकी इनके अलावा जो ये लोग है बातचीत करते वो ना, सब राजयोग नहीं है। बाकी राजयोग। और वो जो वो पंच महापुरुष जो योग बनते पंच हैं महापुरुष योग केंद्र के केंद्र के अंदर, बनते हैं ना, हाँ तो वो भी राजयोग ही कहा जाता है, हाँ वो सबसे बड़ा राजयोग है, पंच तो महापुरुष वो के। पंच महापुरुष योग है। अच्छा, हाँ, उसमें आदमी के पास सब कुछ होगा।
तो कुल मिला के ये 2022 से 29 के बीच हाँ, उम्मीद है कि सरकारी पैसा वापस करेगा है हमें लगता है, हाँ, हमें लगता है कि ऐसा होगा। SBI पैसा वापस कर दे तो कम से कम SBI ठीक तो हो जाए, क्योंकि 3-4 हजार करोड़ रुपए भागे। हाँ, क्योंकि बुध की दशा ठीक है, पंचमे से इनका योग कारक ग्रह है, 11वें घर में बैठा है, अब पंचम घर को देख रहा है, ठीक है ना। और ये व्यापार के मालिक सूर्य के साथ बैठा है, ठीक है, और भाग्य शुक्र के साथ बैठा है, तो वहां से इनकी स्थिति सुधरेगी। और स्थिति सुधरने के बाद ही हमें लगता है कि बैंकों का अपना जो कर्ज था उसको अदा करेंगे, कर्ज वापस करेंगे। चलिए ठीक है, तो वापस तो करना ही पड़ेगा, वापस नहीं करेंगे तो जाएंगे बाद में पकड़े जाएंगे। और एक गवर्नमेंट नहीं तो दूसरी गवर्नमेंट कोई ना कोई तो इनको सही करेगी। नहीं अच्छा, कुंडली में हमको लगता है अगर कुंडली में होता होगा तभी ये लोग लेके भागते भी होंगे ना पैसा। हाँ, हमने बताया ना ये चंद्रमा इनका खष्ट है, कर्ज का मालिक, 12वें घर में बैठ गया है ना, कर्ज लिया खर्च कर लिया है ना। अरे ये इनकी अंडरवियर ये खरीदे थे, 3-3 करोड़ के अंडरवियर खरीदते थे उसमें नीलामी में। हाँ, तो टीपू सुल्तान की तलवार खरीद रहे हैं 2 करोड़ की, जब कोई मतलब नहीं उसका। किंगफिशर एयरलाइंस इनको ले डूबी, एयरलाइंस का जो बिजनेस था वो इनको ले डूबा था, वरना वो शराब वाला तो इनका बिजनेस ढंग का चल ही रहा है। हमारे हिसाब से तो कुंडली और ठीक है, ठीक है, बाकी पैसा वापस वापस कर। हाँ, आयु के सेक्टर से ठीक है पैसा, ये 22 से 29 के बीच में हमें लगता है कि वापस कर देंगे। ठीक, चलिए।